कांग्रेस की खिलाफत की, तो मुझे बता दीजिए आज तक अब कांग्रेस के साथ रहे, केवल उन्होंने कांग्रेस से प्राप्त किया है। डॉक्टर करण सिंह जी को और हमारे इस क्षेत्र ने बीकानेर के व्यक्ति को हमने सर पे बिठाया, यहां लाके सर पे बिठाया उस व्यक्ति को हमने, और यहां से दो बार सांसद बनाया, दो बार विधायक बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने छह बार उसको टिकट दिया, और जब दो बार हार गया तो उसको विश्व का उपाध्यक्ष बना कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इससे ज्यादा हमारे क्षेत्र से क्या चाहते हैं? पर जब हमारे क्षेत्र के नौजवान को जब मौका मिला तो उसको इस बात की जलन हुई, इस बात की पीड़ा हुई कि आज हमारे नौजवान उनको सहयोग करना चाहिए था, पर उसको भी वो हजम नहीं कर पाए और कोई नौजवान यहां से आगे बढ़े। ये बाहर के लोगों में और हमारे लोगों में अंतर होता है। इतना देने के बावजूद इन लोगों ने इसे किया। और अब पिछली बार की मैं बता देता हूं, टिकट के लिए बस्तीराम जी के लिए प्रयास करते बस्तीराम जी को टिकट दो, हाईकमान ने उसके इतने ज्यादा वोटों से किशनगढ़ से हारने के बावजूद भी हाईकमान ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह जी बस्तीराम जी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि बस्तीराम जी को हमने पहले टिकट दिया 11-12 हजार वोट इनके आए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। सर्वे में इनका कहीं भी नाम नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो खुद स्वयं चुनाव लड़िए, खुद पीछे हट गए, इसलिए इनको इसके बाद टिकट नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि हमने नौजवान को दे, इसलिए मुझे लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए टिकट दिया। और आपके सामने किस प्रकार के उन्होंने बयान दिए, उस टाइम भी क्या 10 हजार से नीचे इनके वोट आएंगे, जमानत जब्त होगी, धरना प्रदर्शन करेंगे। पर मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं, पहले चुनाव में इनके बावजूद 47 हजार वोटों से चुनाव जिता दिया। आज भाई ललित यादव के बारे में भी कहते हैं वो बच्चा है। आज ललित यादव राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव रहा, पूरे प्रदेश के वोट पढ़ते हैं और प्रदेश से बाहर के लोग वहां पढ़ते हैं। प्रदेश में एनएसयू में उसने काम किया, प्रदेश में उसने यूथ कांग्रेस के अंदर काम किया, फिर यहां उसने चुनाव लड़ा, प्रदेश सचिव रहा पार्टी का, करौली धौलपुर का प्रभारी रहा, और आज एमएलए भी वो भारी बहुमत जीत गया, रिकॉर्ड वोटों जीता अलवर जिले के अंदर। तो बच्चा कहां से रह गया? और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जब आपने बस्तीराम जी को टिकट दिया था 2004 में उपचुनाव के अंदर, उस दिन बस्तीराम जी की क्या काबिलियत थी? उसकी भी उम्र हमारी इतनी थी, उसे कुछ का आज हमारा मेरा ले लो चाहे ललित यादव ले लो, 20-20 साल का योगदान है पार्टी के अंदर। उसके बाद पार्टी ने हमें मौका दिया और हमने साबित करके दिखाया, काम करके दिखाया। उस दिन तो बस्तीराम का कोई योगदान ही नहीं था, आपने उसको टिकट कैसे दे दिया? आपके भी तो उसको टिकट क्यों दे दिया? वो भी 40 साल का था और फिर उसकी जमानत जब्त हुई, और आज भी आप उसी के बारे में पूछते। मुझे ये समझ में नहीं आता डॉक्टर करण सिंह जी को ऐसा क्या हो गया। इतना अच्छा डॉक्टर था, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, सज्जन व्यक्ति भी बहुत है, पर जैसा बस्तीराम जी कहते ऐसा चलते। और बस्तीराम जी तो मालू राम है, माल लेते हैं, जिसको माल मिल जाता है वैसा बोलते, और पूरा क्षेत्र जानता है उसकी परिभाषा मालू राम की है। और अब इस चुनाव में फिर माल ले लिया, पिछले चुनाव में माल ले लिया, और डॉक्टर के पास पता नहीं इसके पास कौन सी नबज है, क्या इनसे कोई गलती हुई है? डॉक्टर करण सिंह जी से क्या कोई इनके पास सीटी है जो बस्तीराम जी कहते हैं वो इसको बोलते, इसके अलावा इसके पास सोचते ही नहीं है। अच्छा कि आपने बस्तीराम जी को टिकट दिला दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद उसके रिजल्ट आए, हर चीज में बस्तीराम जी का अलावा सुनता नहीं है। और काजू करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हर मिनट में बस्तीराम जी कान में बोल रहे थे वही बात डॉक्टर करण सिंह जी बोल रहे थे। मुझे ऐसा लगता कोई ना कोई गुप्त राज जरूर डॉक्टर करण सिंह जी का बस्तीराम के पास है, कोई ना कोई ऐसी कोई सीढ़ी है, कोई ना कोई ऐसा मामला है जिससे करण सिंह जी कहीं ना कहीं उनसे दबते हैं। नहीं, ऐसा सज्जन आदमी जिसको इतना बड़ा रहा, इतना अच्छा डॉक्टर रहा, इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं? और बस्तीराम जी की इमेज सब जानते हैं, दलाल की इमेज बना रखी क्षेत्र ने उसकी, हर चीज उसको पैसा चाहिए, पिछले चुनाव में पैसा ले लिया, अब वहां से आया, बाहर से मंत्री रहा, बड़ा पैसा, इससे पैसा ले लिया, तो ये तो माल कमाता है, मालू राम है बस्तीराम, तो हर चुनाव में मालू राम चला जाता है और करण सिंह जी को बेचता है चुनाव के अंदर, क्योंकि उसकी खुद की दुकान में बस्तीराम में तो सामान है नहीं, तो उसको कौन खरीदेगा? तो इसलिए डॉक्टर करण सिंह जी को बेचता है चुनाव के अंदर, और डॉक्टर करण सिंह जी इसलिए बिकते हैं उसे, कोई ना कोई राज है उनके अंदर। और मैं तो ये कहता हूं, जो पिछली बार ये मेरे पास अखबार की कटिंग है 12 नवंबर 2023 में, उस टाइम भी इन्होंने एड दिया था अखबार में, छपी थी आपके मीडिया के माध्यम से, ये सारे नाम पढ़ लेना, उस टाइम भी ये सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उन्होंने सदस्यता ले ली थी, कमल का फूल सब लिखा हुआ है। और आज फिर वो दोबारा वो क्यों नाम है? सारे के सारे वो नाम है, ये कितनी बार सदस्यता लेंगे भारतीय जनता पार्टी की? हर चुनाव में सदस्यता लेंगे क्या? पिछले चुनाव में भी ये सब लोग चले गए बीजेपी में, फिर बीजेपी में चले गए, बीच में क्या कांग्रेस में, दोनों चुनाव में ये वही लोग हैं। और इससे ज्यादा बताओ, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आप सब लोग पत्रकार बंधु जानते हैं, उस टाइम भी बहुत सारे लोग मेरे साथ चुनाव में लगे हुए थे, गलती से इनका नाम छाप दिया था, बहुत लोगों ने खंडन किया था, और आज भी हमारे पास बहुत साथियों के फोन आ रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, हमारे संपत गोठवाल यहां से पार्षद है हमारे भरोच नगर पालिका, उनका वीडियो आया, उनने कहा मैं तो जयपुर गया ही नहीं, मैं कहां से सदस्यता ले ली, मेरी तो किसी फ्लैश वाले के पास फोटो पड़ी थी तो फोटो लगा दिया,
मैं तो आज भी कांग्रेस का हूँ, ललित भाई के साथ हूँ, हमारा लोकल है, वो अहंकार ही दूसरा प्रत्याशी 5 लाख से ललित यादव जीतेगा, कहीं मैंने उसका वीडियो देखा है। हमारे नरेश यादव का मेरे पास फोन आया पूर्व सरपंच रिवाली से, उनने कहा भाई मैं तो सारे दिन नहीं मिलना था, उन्होंने उसको वापिस का धमका के भक्तिलाल ने नाम कहने छाप दिया हमारा, इसका खंडन दो। और हमारे साथ पूरे कार्यक्रम आप लोगों ने भी तो पूरे कार्यक्रम नरेश जी हमारे साथ थे, और बहुत सारे साथी नाम क्या क्या गिनाओ, बहुत सारे साथी केवल झूठे नाम दिखकर छाप देते हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग वही की वही जहां पहले थे। और आपकी बार आप कहते हैं इतने भारी बहुमत से हम ऐसे चुनाव जीत के जाएंगे, ये सब केवल अफवाहें फैलाते हैं। अभी आपने देखा जब ललित भाई यहाँ बहरोड़ में आया कितने जोर से नौजवानों ने स्वागत किया, और कल ये आए थे इनका शो बिल्कुल ठीक था, कुछ था ही नहीं, कहीं हमें दिखा ही नहीं इनका क्या था, तो दीन स्वादी थे। तो केवल ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और हम तो ये कहते हैं एक तरफ हमारा लोकल भाई है, हमारे बीच में रहता है, मजबूत साथी है, और बहुत बड़ा नेता बनेगा, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आज हमारे क्षेत्र को टिकट मिली है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें सम्मान हमारे भाई को टिकट दिया। एक नेता वो जो लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो लीडरशिप को खत्म करते हैं राज्य क्षेत्र पर, जनता को लोग भ्रमित करते हैं। और मैं बता देता हूँ पिछले चुनाव में आदरणीय